तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई MSBT विंटर 2020 एग्जाम के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई MSBT एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया कितना है, यानी कि आपको कितने क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए सो दैट आप एग्जाम में पास हो जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या आपको इस बार एग्जाम में कॉन्डोलेंस मिलने वाला है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि यार आपको जो है 30 में से मान लो कुछ पर्टिकुलर मार्क्स मिलते हैं तो आपको जो है 70 में से फिर कितने मार्क्स मिले, तो ओवरऑल जो है मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये वीडियो पूरा एंड तक देखो ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो गाइस सबसे पहले आते हैं पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। तो पासिंग क्राइटेरिया ऐसा है कि भी आपको जो है 30 क्वेश्चन में से जो है टोटल 12 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, मिनिमम 12 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए सो दैट आप एग्जाम में जो है पास हो जाओ। 30 क्वेश्चन में से आपके जो है टोटल 12 राइट क्वेश्चंस होने चाहिए सो दैट आप एग्ज़ाम में जो है पास हो जाओ। तो ये जो है आपका पासिंग क्राइटेरिया है। अब बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है कॉन्डोलेंस के ऊपर। तो यार कॉन्डोलेंस जो है इस बार जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है, यानी कि आप जो है सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हो और कोई एक सब्जेक्ट में जो है आपको कम मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 12 से कम मिलते हैं लाइक 8, 9, 10, 11, तो आपको जो है उस एक सब्जेक्ट में जो है कॉन्डोलेंस मिल जाता है और आपको जो है फिर ऑल सब्जेक्ट में जो है पास कर दिया जाता है। तो इस बार जो है कॉन्डोलेंस है, यानी कि ओवरऑल सपोज़ करो आपके 5 सब्जेक्ट है, जो 4 सब्जेक्ट से उसके अंदर आपको जो है जो 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको जो है आपके वहाँ पे राइट थे लाइक 15, 18, 19 क्वेश्चन आपके राइट थे, लेकिन आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है आपको जो है पासिंग क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कि आपको जो है मिनिमम मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आपको जो है कॉन्डोलेंस मिल जाता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर आते हैं, वो है मार्क्स कन्वर्जन के ऊपर। यानी कि यार जो 30 में से आपको कुछ मार्क्स मिले हैं लाइक मान लो कि भाई आपको 30 में से जो है 26 मार्क्स मिले हैं, तो भाई अब जो ये 26 मार्क्स आपको 30 में से मिले हैं तो भाई आपको फिर 70 में से कितना मिला। तो भाई आपको जो है एक बेसिक फार्मूला है जो आपको यूज़ करना है, जो बहुत ईजी है और जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको 70 में से कितना मिला। तो यार इसके लिए आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है भाई, आपको 30 में से 26 मिले हैं तो भाई अब 70 में से आपको कितना मिला, तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 70 को मल्टीप्लाई करना होगा 26 से और फिर डिवाइड करना होगा 30 से। तो भाई इसका फिर आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 60। ओवरऑल जो है आपको जो है 60 मार्क्स मिलते हैं 70 में से। 30 में से अगर आपको 26 मिला है तो आपको 70 में से जो है 60 मार्क्स मिलते हैं। तो यार बच्चे आपके जो 30 मार्क्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई आपको 10 मार्क्स जो है सेशनल 1 को दिए जाते हैं, रिमेनिंग 10 मार्क्स जो आपको सेशनल 2 को दिए जाते हैं और 10 मार्क्स जो है बचे हुए आपके माइक्रो प्रोजेक्ट को दिए जाते हैं। तो ऐसे करके ये 30 मार्क्स हो जाता है, फिर 70 प्लस 30 करोगे तो 100, तो आपको जो है 100 में से जो है ओवरऑल जो है आपको मार्क्स दिया जाता है। तो वैसे इस तरीके से जो है आपका जो 70 में से आपको कितने मार्क्स मिले तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस बार कॉन्डोलेंस भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आपका एक सब्जेक्ट कोई रह जाता है या उसमें आपको कम मार्क्स मिलता है तो आपको जो है कॉन्डोलेंस मिल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि भाई आपके 30 क्वेश्चन में से जो है कम से कम आपके 12 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए सो दैट आप एग्ज़ाम में जो है पास हो जाओ। सो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी इसके बारे में बता दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।